और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन इस वक्त लागू है, उसी को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर ये विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस, और नोटिस जारी कर ये पूछा है कि दिल्ली की विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि 5 हफ्ते के भीतर कोई सकारात्मक सुझाव लेकर आए। नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी, तब उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, और तब से ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया था, विधानसभा निलंबित थी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर बोलती रही है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएं, विधानसभा को निलंबित ना रखकर इसे भंग कर दिया जाए और चुनावों की जल्दी घोषणा हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा है कि आखिर दिल्ली की विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी, इस बारे में जल्द ही जवाब दे। 5 हफ्तों का वक्त सरकार को दिया गया है, और कहा है कि सकारात्मक सुझाव लेकर वो 5 हफ्ते के भीतर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर। अब देखते हैं केंद्र सरकार कब तक इसका जवाब देगी, हालांकि 5 हफ्तों का वक्त उसे दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में